जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर से 20 प्रश्नों का सेट लेकर के आए हैं जो कि इस प्रकार है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित आक्रमणों को नीचे दिए गए कूट के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला मोहम्मद गोरी का आक्रमण, मोहम्मद गजनबी का आक्रमण, तैमूर का आक्रमण, चंगेज खां का आक्रमण। इसका सही जवाब होगा, पहले देख लेते थोड़ा सा आने का क्रम देख लेते हैं। मोहम्मद गजनबी 1026 यानी 1000 से 1026 के बीच में आए थे। दूसरा नाम आता है मोहम्मद गोरी का जो कि 1175 से 1205 ईस्वी तक, और तीसरा नाम आता है चंगेज खां का जो कि 1221 ईस्वी में, और चौथा नाम आता है तैमूर का यानी 1398। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए 2143 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या दो, पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात अहमद शाह अब्दाली ने किसे भारत का बादशाह घोषित किया? ऑप्शन है आलमगीर द्वितीय को, शाह आलम तृतीय को, अकबर द्वितीय को, शाह आलम द्वितीय को। इसका सही आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। जरा इसके विस्तार में समझने की कोशिश करें तो मैं आपको बता दूं कि पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली, जिसको हम अफगान के नाम से जानते हैं, के बीच हुआ था, जिसमें मराठा बुरी तरह हारा था और उनका नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया था। 20 मार्च 1761 को दिल्ली छोड़ने से पहले अहमद शाह अब्दाली ने शाह आलम द्वितीय को वहाँ का भारत का बादशाह घोषित किया, इतना आप याद रखें। प्रश्न संख्या तीन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? ऑप्शन हैं मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। इसका सही जवाब होगा इल्तुतमिश ने। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित करने वाले इल्तुतमिश ही थे। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से ही शासन किया करते थे, इसलिए वास्तव में इल्तुतमिश को दिल्ली का पहला सुल्तान समझा गया था। तभी से इसे दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में स्थापित करने वाले पहले शासक के रूप में समझा गया। अच्छा, एक बात और भी समझ लीजिए, इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि भी दी गई थी, सुल्तान ए आजम। इस तरह से विस्तार से आप जानने के बाद कुछ और भी जानकारी आप इकट्ठा कर लेते हैं। सो आपसे आग्रह है कि इन तमाम उपलब्धियों को भी ध्यान रखें। प्रश्न संख्या चार, निम्नलिखित में से किसने दीवान ए बंदगान नामक नए विभाग की स्थापना की? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, बहलोल लोधी ने। इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जय, इसके विस्तार से समझने की कोशिश करें। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत बड़ा शौक था। उसके दासों की संख्या लगभग 180,000 तक पहुंच चुकी थी। उनकी देख रेख के लिए एक अलग पृथक विभाग की स्थापना की गई थी जिसको दीवान ए बंदगान के नाम से जाना गया। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था और प्रत्येक दास को 100 से लेकर 100 टंके के बीच में वेतन भी मिलता था। कभी कभी जागीरें भी दी जाती थी। फिरोज शाह तुगलक का यह शौक राज्य के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हुआ। तो इस तरह से इतनी सारी जानकारियाँ फिरोज शाह तुगलक के बारे में रखें तो अच्छा रहेगा। प्रश्न संख्या पाँच, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किस नदी के किनारे की गई थी? ऑप्शन है गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, घाघरा के किनारे, झेलम के किनारे। इसका सही आंसर होगा गंगा के किनारे। इसके बारे में कुछ विस्तार से जानने की कोशिश करें। 19 जुलाई 1296 को जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से मिलने और उसे बधाई देने, देवगिरी के विजय के पश्चात जब उन्हें बधाई देने का मौका मिला, गंगा के किनारे स्थित जो मानिकपुर जगह है वहाँ गए और वहीं पर उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जलालुद्दीन खिलजी का वध करवा दिया गया। इतनी सारी जानकारी आप इसके बारे में रखें। प्रश्न संख्या छः, निम्नलिखित में से कौन अपने अमीरों को मसनद ए आली कहता? प्रश्न संख्या छः, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी समकालीन थे इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के, फिरोज शाह तुगलक के, इब्राहिम लोदी के। इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश के। इसके बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ख्वाजा बख्तियार काकी सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन थे। उन्हें ही बाबा फरीद को चिश्तिया परंपरा में दीक्षित किया था। तो याद रखिएगा, चिश्तिया परंपरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बाबा फरीद भी। इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा इल्तुतमिश, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। प्रश्न संख्या सात, बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय असंतोष का जनक कहा है? ऑप्शन है वेलेंटाइन सिरोल ने, मिस्टर रैंड ने, विंस्टन चर्चिल ने, कैनिंग ने। इसका सही जवाब होगा वेलेंटाइन सिरोल, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बारे में भी कुछ जानकारी आप रखें। एंग्लो इंडियन नौकरशाही यानी बाल गंगाधर तिलक को विद्रोही समझती थी, यानी एंग्लो इंडियन जो नौकरशाही सिस्टम था उसमें बाल गंगाधर तिलक को विद्रोही समझा गया था। वेलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था।
तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड भी गए थे, लेकिन वे मुकदमा हार गए। यद्यपि वे मुकदमा हार गए लेकिन इसका व्यापक प्रभाव हुआ था। इस तरह से इसका आंसर होगा वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 8। 1946 यानी 1940 में भारत आए कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? भारत में कैबिनेट मिशन जो आया था उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर, माउंटबेटन, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इसके बारे में भी कुछ जानकारी आप रखें तो अच्छा रहेगा। यह याद रख लेना है कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। इस मिशन के जो सदस्य थे वह स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस जो कि भारत का उस समय एक भारत सचिव भी पद हुआ करता था, और ए बी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। लेकिन पैथिक लॉरेंस को इस मिशन के लिए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। इस मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया था। इस तरह से आप याद रखिएगा कि इसमें ए बी और सी नामक तीन श्रेणी में भी विभक्त किया गया था। इन तमाम जानकारी को आप याद रखें तो कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास इकट्ठा होती चली जाएगी। तो इस तरह से आप देखें कि इसका सही आंसर होगा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। किसने स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, चित्तरंजन दास ने। इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। जरा इसके बारे में भी विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इन्होंने ही 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, शिकागो में जाकर के विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करना, यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही हुआ था। याद रखें इतनी सारी जानकारी है इस प्रश्न के लिए। इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा है? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। सही जवाब क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक यानी ऑप्शन नंबर सी। जरा इसके बारे में भी विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। वह क्या है कि फिरोज शाह तुगलक ने मौर्य सम्राट अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था, यह भी पता है आपको, जिन्होंने जो स्तंभ जो कि जानकारी के सोर्स होते हैं नहीं, उन्हें अपने शासनकाल में 300 नगरों को स्थापित भी करवाया था। खिजराबाद एवं मेरठ के अशोक के दोनों स्तंभ को ला करके दिल्ली में स्थापित करने वाले फिरोज शाह तुगलक थे। आपको पता होगा दिल्ली टोपरा, इस तरह से जो दिल्ली मेरठ जो स्तंभ थे इनको लाने वाले कौन थे? फिरोज शाह तुगलक ने। जब आप मौर्य साम्राज्य में पढ़ रहे होंगे कि उनके स्तंभों के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ आपके पास आई होगी। इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। किसके शासनकाल में विदेशी यात्री इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जरा इनके बारे में भी विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यह समझिए क्या है, इब्न बतूता एक्चुअली मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था, यानी अफ्रीका से आए थे। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1325 से लेकर के 1351 जो मोहम्मद बिन तुगलक का समय था भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। बाद में यानी 1342 ईस्वी में उसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। इब्न बतूता ने किताब उल रेहला नामक अपनी पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण दिया गया है। तो कभी कभी याद रखिएगा रेहला में क्या है, उनकी यात्रा वृत्तांत के बारे में बताया गया, यह भी पूछा जाता है। तो इतनी सारी जानकारी आप प्राप्त रखें कि वह अफ्रीकी यात्री था, दिल्ली में काजी भी नियुक्त हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, और राजदूत बनकर चीन भी गया। उनके द्वारा रचना जो किताब उल रेहला की रचना की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारतीय सुल्तान ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था आरंभ की थी? इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने, शेर शाह ने, अकबर ने। याद रखिए इसका सही जवाब होगा शेर शाह ने। इसका सही जवाब क्या होगा? शेर शाह, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जरा इसके बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। शेर शाह का मतलब शेर शाह सूरी से है, ने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की थी। इस व्यवस्था में किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे जिससे उनको वर्ष में निश्चित लगान देना पड़ता था।
किसान कबूलियत पत्र के द्वारा ही पट्टे को स्वीकारता था, यानी एक तरह से एग्रीमेंट के आधार पर उन्हें दी जाती थी। तो कुल याद रखें कि शेर शाह के द्वारा यह व्यवस्था आरंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 13, किस अधिनियम को भारत में काला कानून कहा गया है? ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स एक्ट 1882, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, रॉलेट एक्ट 1919, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। अब इन प्रश्न को पढ़ने से आपका सही आंसर होगा रॉलेट एक्ट 1919। सही जवाब क्या होगा? रॉलेट एक्ट 1919, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अब इसके बारे में समझते हैं, रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। एक्चुअली भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को सरकार चाहती थी कुचल दे, जिसके लिए रॉलेट, सिडनी रॉलेट नाम है उनका, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों को दबा देना, यानी एक प्रभावी योजना का निर्माण करना। इस समिति के सुझावों पर मार्च 1919 में एक पारित किया गया विधेयक, जिसको ही रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। अच्छा, इसमें हुआ क्या था? इसमें बोला कि सरकार जिसको चाहे, जब चाहे, बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील तथा काला कानून कहा गया है। इतनी सारी जानकारी आप इसको रखें। 1919 में रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून के रूप में समझा गया। प्रश्न संख्या 14, पुनर्जागरण का प्रारंभ यूरोप में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ऑप्शन है इंग्लैंड से, इटली से, जर्मनी से, स्पेन से। इसका सही जवाब होगा इटली से। कहाँ से? इटली से, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा करें हम लोग। पुनर्जागरण, जिसे हम सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में भी समझते हैं, या मध्यकाल में आया हुआ एक सांस्कृतिक आंदोलन भी था। यह आंदोलन इटली से आरंभ होकर यूरोप में फैल गया। आपको पता है इटली से शुरू हुआ और पूरे यूरोप में फैला। लगभग इस आंदोलन का समय जो था वह 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस आंदोलन में परंपरागत स्रोतों से तो ज्ञानार्जन ने जोर पकड़ लिया। शिक्षा, जो विशेष रूप से उस क्षेत्र में सर्वव्यापी सुधार हुआ, जिससे लोगों की संसार में चीज़ों की समझ में एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को आया। चित्रकारी में, यानी तमाम तकनीकी विकास में, पशुपालन का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ। इस तरह से इन कुल को हम पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। एक सांस्कृतिक परिवर्तन आंदोलन हुआ जो कि इटली से आरंभ हुआ था। इतनी सारी जानकारी आप इसको इकट्ठा करके रखें। प्रश्न संख्या 15, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले पहले क्रांतिकारी का नाम क्या था? ऑप्शन है वीर सावरकर, राज बिहारी बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। इसका सही जवाब होगा राज बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जरा इसके बारे में कुछ जानकारी और भी इकट्ठा रखते हैं हम लोग। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय, यानी 22 दिसंबर 1912 को, यह चीज़ याद रख लेना आपको, बंगाल के महान क्रांतिकारी राज बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई थी और फेंक भी दिया था। तो याद रखिए, राज बिहारी बोस जब राजधानी परिवर्तित हो रहा था उसी समय बम फेंके थे। इस तरह से इसका सही जवाब था राज बिहारी बोस। प्रश्न संख्या 16, भारत का दूसरा गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, चार्ल्स मैटकेफ, लॉर्ड एलेनबर्ग। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड मैटकॉफ, यानी ऑप्शन नंबर सी, सी वाला राइट आंसर है। इसके बारे में थोड़ा समझिए क्या है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, दूसरा गवर्नर जनरल जनरल चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ के कार्यकाल में समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटा था। अच्छा, इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा गया। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि इन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया है, जिसके कारण क्या हुआ, समाचार पत्र पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे, मास मीडिया पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था वो हट गया और इनको दूसरा गवर्नर जनरल कहा गया। इसका सही जवाब हो ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी मृत्यु ने मुझे विदुर बना दिया है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मगन लाल गांधी, महादेव गोसाई की। प्रश्न क्या है कि किसकी मृत्यु पर गांधी ने बोला कि इनकी मृत्यु हमें विदुर बना दिया है? इसका सही जवाब होगा मगन लाल गांधी, यानी ऑप्शन नंबर सी। जरा इसके बारे में भी कुछ जानकारी और इकट्ठा करते हैं। मगन लाल गांधी की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने ही बोला था कि इनकी मृत्यु उन्हें विदुर बना दिया है। तो इस प्रश्न के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 18, नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, गांधी और जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब होगा मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। जरा इसके बारे में कुछ विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। याद रखना है कि आपको मैं बताया कि नेहरू रिपोर्ट के बारे में नहीं, 11 मई 1928 को बम्बई में कोई कांग्रेस के दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति की गठन की गई थी।
जिसे संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। इस समिति में 28 अगस्त 1928 को यानी 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिन्हें नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। आपको याद रख लेना है कि मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में ही नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। नेहरू रिपोर्ट थी क्या? संवैधानिक सिद्धांतों का निर्धारण करना था। इसके लिए जो मीटिंग बुलाई गई थी उसी को यह नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 19, जहांगीर के काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ऑप्शन है अबुल हसन, मोहम्मद नासिर नादिर समरकंदी, बशावन और मुरार। याद रखिए इसका सही जवाब होगा अबुल हसन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। जो इसके बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, अबुल हसन, जहांगीर ने अबुल हसन को अपने दरबार का सर्वोत्कृष्ट जो कहें आप, है ना, चित्रकार बताया है। जहांगीर ने तुजक के जहांगीरी में लिखा है कि इस समय अबुल हसन के समान कोई चित्रकार नहीं है। जहांगीर ने उनकी कला से प्रभावित होकर नादिर उज जमा की उपाधि से भी विभूषित किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछले कुछ दिनों पहले जो RPSC का पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, लेक्चरर ग्रेड का जो पेपर था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा अथवा तुजक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? इसका आंसर ऑप्शन हैं, देखिए, फारसी, अरबी, तुर्की, मंगोल। इसका आंसर होगा तुर्की भाषा में, याद रखिएगा, सी वाला पार्ट आंसर है। इस तरह से आप देखें तुर्की भाषा, इसके बारे में कुछ जानकारी आप याद रखें। बाबर साहित्य में बहुत रुचि लेता था, अंडरस्टूड है, जो साहित्य में रुचि लेगा उसी के द्वारा सारी कामें होंगी। तो उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा लिखी गई। बाबरनामा का 3 बार फारसी में अनुवाद किया गया। बाबरनामा ने भारत की तत्कालीन राजनीतिक दशा, भारतीयों के तत्कालीन जीवन स्तर, फसलों तथा फूलों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस तरह से याद रखेंगे बाबरनामा में भारत के किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है, तो राजनीतिक दशा, तत्कालीन जीवन, फल और फसलों के बारे में विस्तार से चर्चा मिलती है। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे प्रश्न जो हमने इकट्ठा किए वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब इन प्रश्नों को समझने की कोशिश कीजिए, क्या लिखा मैंने, होमवर्क क्वेश्चन भी आवश्यक होता है, क्योंकि घर में बैठ के आप कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ आप प्रश्न पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने होमवर्क क्वेश्चन भी डाला है। निम्नलिखित में से किसने जमीन बौशी सिजदा की प्रथा प्रारंभ की थी? ऑप्शन है बलबन, बुगारा खान, इल्तुतमिश, नासिर उद्दीन मोहम्मद। इसके कमेंट जो हैं हमारे कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप से आप डालें, ताकि आप लोग की गतिविधि भी मुझे समय समय पर मालूम होती रहे। उम्मीद करता हूँ यह सेगमेंट अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।